अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की? उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और अभी ये दोपहर के 1 बजे का टाइम हो रहा था, मैं अभी कुछ देर पहले सोकर उठी थी। और नाश्ता तो मैं गर्मियों में वैसे भी नहीं करती हूँ, मैं दोपहर में जो खाना बना होता है ना मैं सिर्फ वही खा लेती हूँ, क्योंकि गर्मियों में मेरा नाश्ता करने को भी दिल नहीं करता और ना किसी का नाश्ता बनाने को दिल करता है। इतनी गर्मी है ना आजकल की, अपनी इतनी आवाज़ आ रही फील हो रही होती है तो बंदे का वैसे ही कुछ खाने को दिल नहीं करता। और गर्मियों में मुझसे पराठा वैसे भी नहीं खाया जाता, मेरी शुरू से नेचर है मैं गर्मियों में नाश्ता करती ही नहीं हूँ। तो आज मैंने खाने में ना चने की पुलाव बनाई थी, सारी चीज़ें अम्मी ने बनाकर दे दी थी, बस मैंने डोई चला दी थी। और क्योंकि मेरा दिल कर रहा था चने के चावल खाने को ना, और आज वाले जो चावल थे वो बहुत मज़े के बने थे। पता नहीं कभी कभार इंसान ना जल्दी जल्दी में बनाता है, जबकि मैंने बहुत जल्दी में बनाया था, बस सारी चीज़ें जो थी ना मैंने साथ में डाल दी थी और वो बन गए थे। लेकिन कभी कभार इतने मज़े की चीज़ बन जाती है ना, और कभी कभार बंदा इतना फैंसी तरीके से खाना बना रहा होता है बड़े लवाजमात करके, फिर भी वो इतना अच्छा नहीं बनता, और कभी कभी जल्दी में भी इतना अच्छा बन जाता है। खैर यहाँ पे हमारे घर में जब भी चने की पुलाव बनती है ना उसके साथ ये बूंदी वाला रायता बनता है, हम लोग बूंदी रायते के साथ चना पुलाव खाते हैं। अगर आप लोगों ने भी खाना खाना है तो आ जाइए। मैं आपको जिनके चैनल का शाउट आउट दे रही हूँ ना, उनके चैनल का नाम है ईशा लाइफस्टाइल इन विलेज। सबसे पहले तो इनके चैनल को हमने सब्सक्राइब कर लिया, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दिया। अच्छा ईशल जो है ना, मैं आपको इनका थोड़ा सा स्टोरी का बैकग्राउंड बताना चाहूँगी, जिसकी वजह से मैंने इन्हें शाउट आउट दिया है। इनकी रिसेंटली डिवोर्स्ड हुई है, सिंगल मदर है। आपको पता है कि एक औरत जिसकी डिवोर्स हुई हुई है उसके लिए एक हमारी सोसाइटी में रहना कितना मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि लोग नहीं सोचते कि उस इंसान पर क्या गुजर रही होती है, तो वो खुद ही जानता है कि वो कितना मजबूर होता है, वरना कौन इंसान होता है जो अपना घर छोड़ना चाहे ना। लेकिन दुनिया ये बात नहीं समझती होती हो, और फिर जिनके बच्चे भी हों वो सिंगल मदर भी हों तो उनके लिए रहना वैसे भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन्होंने अपने बच्चे के लिए, उन्हें सपोर्ट करने के लिए अपने आप को इन्होंने चैनल बना रखा है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यार देखें, हमें ना हर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। एक होते हैं जिन्होंने ना शौकिया चैनल बना रखे होते हैं, एक होते हैं जिन्होंने अपनी मजबूरी के लिए बना रखा होता है, तो ये उनमें से हैं। और जो मजबूर होते हैं उनकी मैं ज़रूर मदद कर देती हूँ, और आप लोगों को भी कहती हूँ कि एक सदका जारिया होता है जहाँ पे इतने लोग मुझे देखते हैं, तो अगर आप जाके इन्हें थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लेंगे यार तो इनकी हेल्प हो जाएगी। आपको पता है कि एक अकेली औरत का हो और जिसकी तलाक हुई हुई, ऊपर से उसके बच्चे हों, उसके लिए रहना कितना मुश्किल होता है, ये आप खुद अच्छे से जानते, औरत तो ये चीज जानती ही है। तो ईशा लाइफस्टाइल के चैनल पे आपको डेली व्लॉगिंग का कंटेंट मिल जाएगा। ये अपने बेटे के साथ जो है व्लॉगिंग करती होती है, कंटेंट इनका बहुत अच्छा है। इनके वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जाके ज़रूर इनके जो है सब से आप सब उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो आज है मेरे बेटे की बर्थडे, तो मैं आज अपने तो इनके चैनल का लिंक है ईशा लाइफस्टाइल इन विलेज, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर इन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये असर के बाद का टाइम था, और यहाँ पे अभी हम लोग जा रहे थे बाहर, मम्मी के साथ जा रही थी, तो मैंने कहा सन ब्लॉक लगा लेती हूँ, क्योंकि सन ब्लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। सन ब्लॉक इसलिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि एक तो आपकी एजिंग के प्रोसेस को रोकता है, इसके अलावा ना पिगमेंटेशन इशू को ख़त्म करता है, क्योंकि जब डायरेक्ट सन की रेज आपके मुंह पे पड़ती है ना उससे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन इशू होता है, इसलिए सन ब्लॉक लाजमी लगाना चाहिए। वो अलग बात है कि सन ब्लॉक लगा के ना स्वेटिंग थोड़ी देर के लिए बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन लगाना ये ज़रूर चाहिए। मैं आजकल लेडीज़ महल वालों का सन ब्लॉक यूज़ कर रही हूँ, अच्छा सन ब्लॉक है। ये आपका इंस्टाग्राम पे इनका पेज है, अगर आप लोगों ने लेना हो वहाँ से मिल जाएगा, मुझे पीआर में आया था, अच्छा सन ब्लॉक है। हॉट पॉट चाहिए? नहीं हमें तो नहीं चाहिए। ये हॉट पॉट आए हैं, ले लो, सस्ते हैं। हाँ इन्हें महंगे तो नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, ले लो क्यूट है, ले लो अपने घर पे ले जाओ। नहीं मैंने तो क्या करना, लेकर ठंडे हो जाएंगे। यहाँ पे मैं अम्मी के साथ बाजार आई थी क्योंकि अम्मी ने ना कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी, और यहाँ पे वाले इतने प्यारे प्यारे ये सूट के साए हुए थे ना, ये मुझे इतने अच्छे लग रहे थे, लेकिन अब मेरे लेने ही नहीं, मेरे किसी काम के ही नहीं है, लेकिन बड़े फंकी फंकी कलर के बड़े प्यारे साए थे। अलबत्त इनकी प्राइस भी बहुत अच्छी थी, कोई 80-90 thousands के थे पूरा 3 का सेट, लेकिन चीज़ अच्छी थी। यहाँ पर मैं ये वाले डेकोरेशन पीस देख रही थी, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं वाले फ्लावर्स ना, मैंने अपने रूम में काफ़ी सारे रखे हुए, मेरे फिर लेने का दिल कर रहा था मेरी अम्मी
कह रही तेरे पास ऑलरेडी बहुत है, तूने हर रूम के कॉर्नर में तो इन्हें रखे हुए, मजीद लेकर क्या करेगी। लेकिन पता नहीं मुझे इस टाइप की चीज़ें ना अच्छी लगती हैं। परसों किसी ने कॉमेंट करके कहा था कि आपने ऐसी कौन सी डाइट कर ली जो इतनी जल्दी वेट कम हो गया। यार डाइट तो मैंने कोई 12-13 दिन की थी बस, लेकिन उसके बाद मैं इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी कि डाइट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैं वैसे ही जो है वो वेट कम हो गया। यहाँ पे ये रग्स मैं देख रही थी, मुझे ना एक वाइट कलर का ना रग चाहिए था, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पार्सल्स आते हैं, तो उसकी अनबॉक्सिंग करने के लिए मैं कुछ ना मैट टाइप रग देख रही थी वाइट कलर में। लेकिन मैं तो जब भी आती हूँ ना मुझे वो मिलता ही नहीं है, मैं जब भी आती हूँ ना वो हमेशा ख़त्म ही होता है, मुझे लगता है मुझे ऑनलाइन ही मंगवाना पड़ेगा। ये रवाज के लिप ग्लॉस थे, ये बहुत अच्छे हैं, ये 595 का एक मिलता है, लेकिन ये बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जो शेड मुझे चाहिए था ना वो इस वक्त इसमें अवेलेबल नहीं था, क्योंकि मेरे पास इसके काफ़ी सारे शेड्स मौजूद हैं, लेकिन जो मुझे अब चाहिए ना वो था नहीं, लेकिन ये होते बहुत अच्छे हैं। अच्छा यहाँ पे हम ऊपर बेबी वाले पोर्शन में आए थे, हमें कुछ चीज़ें लेनी थी। अच्छा मैं यहाँ पे जब भी आती हूँ ना सामने ये ब्लैक कलर का ना बेबी कोट रखा होता है, और ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं जब भी आती हूँ ना इसके प्राइस देखती हूँ, और हर दफ़ा इसके प्राइस ना चेंज हो रहे होते हैं। लास्ट टाइम जब मैं आई थी आई थिंक ये 45 में था, इस दफ़ा मैं आई तो ये 50+ में हो गया था। पर मुझे वाला कोट ना अच्छा लगता है, उस लकड़ी वाले कोट की निस्बत ना आई थिंक जिनके बच्चे हैं उन्हें ये लेना चाहिए, अच्छी परचेज है ये। अब हाँ महंगा है थोड़ा, लेकिन परचेज अच्छी है। बस यहाँ पर टॉयज देख रही थी, इस वाला टॉय को मैं देख रही थी, 600 रुपए का टॉय था, मैं सोच रही थी ऐसे इसमें स्पेशल है क्या। यहाँ पे हम इसलिए आए थे क्योंकि आंटी ने ना मेरी मम्मी को कोई चीज़ें खाई थी, उन्होंने अपनी बेटी के लिए सूट वगैरह ना कि वो ले लेना, तो वो लेने थे। और फिर रिसेंटली मेरी नंद की बेटी हुई है और उसकी एक बेटी की बर्थडे भी थी, तो मैंने कहा चलो मैं उसके लिए कोई गिफ्ट्स भी ले लूँगी। तो ये डांसिंग डॉल मुझे अच्छी लग रही थी, ये थी 1300 की, लेकिन ये डॉल बड़ी क्यूट सी थी, केक के ऊपर डॉल थी और वो डांस कर रही थी, तो इसलिए मैं इस टाइप की कोई चीज़ें देख रही थी कि जो बच्चों को अच्छी लगे ना तो वो ले लूँगी। अच्छा ये तो कुछ इलेक्ट्रिक स्विंग थे, ये 19,000 के थे, ये मेरी फ्रेंड ने रिसेंटली लिया था, लेकिन उसका बड़ा वेस्ट हुआ था क्योंकि उसका बच्चा बैठता ही नहीं था इसमें। और ये कुछ बेबी कोट सीट्स थी, और बस उसके बाद फिर हम कपड़े वाले पोर्शन में आ गए थे, क्योंकि जो कपड़े वगैरह लेने थे बच्चों के वो तो ले लिए थे। यहाँ पर मैं अपने लिए कुछ देख रही थी लेकिन कुछ खास लगा ही नहीं। अच्छा आजकल ये वाले जो फ्रॉक्स हैं ना इनका बहुत फैशन है, हर किसी ने मैंने सोशल मीडिया पर देखा है ये इस टाइप की फ्रिल वाली ना फ्रॉक पहनी हुई, आजकल इनका बहुत फैशन आया हुआ है। लेकिन फ़ोन के मटेरियल में थी तो इससे फिर मैंने ली नहीं, क्योंकि अभी इतनी गर्मी है पहनी ही नहीं जाएगी, ये तो थोड़ा मौसम ठीक होगा ना फिर ही पहना जाएगा। अच्छा चेज वैल्यू में जो पर्स की कलेक्शन होती है ना मुझे बड़ी अच्छी लगती है, यहाँ पे आपको ना बड़े अच्छे अच्छे पर्स दिख जाते हैं। तो बस उसके बाद हम घर आए थे, घर आते आते हमें मगरिब हो गई थी, मैंने आते ही पानी पिया और मगरिब की नमाज़ अदा की, और उसके बाद फिर ये रात का टाइम था 10 बजे का। और आज हमने खाने में तो कुछ नहीं बनाया था, मम्मी ने शायद आलू बनाए थे और वो मेरी बहन और मैंने खाए नहीं, तो फिर मेरी बहन ने ना मुझे ये KFC मंगवा के दिया, क्योंकि उसकी जॉब लग गई ना, क्योंकि उसकी जॉब को 1 मंथ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसे भी पे मिली ना, तो उसने फिर कहा चलो आज हम KFC खा लेते हैं, तो फिर उसने और मैंने यही खा लिए थे। तो बस उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए जी, अल्लाह हाफिज़।